एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में एक लास्ट पॉइंट लास्ट एग्जांपल आपको दिए थे कि मॉलिक्यूल्स हैविंग वैकेंट और वाइट मॉलिक्यूल जिसके पास वैकेंट और वाइटल हो, खाली और वाइटल हो, वो लेविस एसिड। एसिड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेविस एसिड कौन कौन है। एक बार रिमाइंड कर दें हम आपको कि लेविस एसिड के बारे में कहा गया आपसे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका सेंट्रल एटम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर, वो लेविस एसिड है। दूसरा पॉइंट कहा गया आपसे कि जितने भी केटायन्स हैं वो सब लेविस एसिड है, पॉजिटिव चार्ज इस पर मौजूद है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिफिशियंसी ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन को लीड करता है, बताता है, इसलिए जितने भी केटायन्स हैं वो सब लेविस एसिड। तीसरी बात कही गई आपसे कि ऐसा मॉलिक्यूल जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, जिसका एग्जांपल हम आपको दिए थे SO2, CO2, NO2, N2O5, ETC, ये सब लेविस एसिड। और एक लास्ट पॉइंट हम लोग लिखे थे कि लेविस एसिड ऐसे मॉलिक्यूल्स को भी कहते हैं जिसके सेंट्रल एलिमेंट के पास वैकेंट और वाइटल अवेलेबल। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बताए थे SiF4, ये लास्ट पॉइंट यहीं से चलना था हम लोगों को, SiF4। तो SiF4 का सेंट्रल एलिमेंट है आपको Si सिलिकॉन, और ये सिलिकॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप इसका ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, यानी KCl है, L है और M से 14 इसका एटॉमिक नंबर है और इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। M से थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल में आपको मालूम होगा कि आप कहते हैं K से, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जानते हैं तो इसमें 1s होता है, कहते हैं एल से, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप जानते हैं यहाँ 2s और 2p सबसे होता है। और जैसे ही तीसरे सेल में आ गए तो तीसरे सेल में आप एस पी और डी लेते हैं, 3s, 3p और 3p, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन का ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो डी सबसे यहाँ पर साइलेंट है। लेकिन सेल अगर एम है तो इस एम सेल में डी सबसे भी मौजूद है, लेकिन वो अभी एग्जिस्टिंग नहीं है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन उतना इस एलिमेंट के पास अवेलेबल नहीं है जिस इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन डी में किया जाए। अभी पी ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो डी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा। इसका मतलब है कि साइलेंटली यहाँ डी और वाइटल खाली है। इस सेल में आप अगर देखें तो डी है लेकिन वो खाली है। तो इस तरह का किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास सेंट्रल एटम ऐसा हो जिसके पास वैकेंट और वाइटल, ये खाली और वाइटल अवेलेबल, वैकेंट और वाइटल अवेलेबल, ऐसे कंपाउंड को हम लेविस एसिड कहेंगे।
ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, लेविस एसिड कहेंगे, जिस कंपाउंड का सेंट्रल एलिमेंट, जिस कंपाउंड का सेंट्रल एलिमेंट वैकेंट और वाइटल कंसिस्ट करता। अब ऐसे इस एग्जांपल को सेटिस्फाइड करने के लिए हम आपको इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दें कि ऐसा ही एफ फोर है जो एफ माइनस के साथ रिएक्शन किया, तो एफ माइनस यहाँ बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है, इफिशियंट है, तो इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी है इसके पास एफ माइनस। दूसरी बात, निगेटिवली चार्ज है तो निगेटिवली चार्ज होने के कारण ये बेस है और ये एसिड है। अगर ये एसिड है तो निश्चित रूप से इसके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करेगा और रिसीव करने के लिए इसके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए सेंट्रल एटम में, जो कि यहाँ अवेलेबल है। इसलिए अगर SiF4F- से रिएक्शन किया तो SiF5- बना सकता है, SiF5- बना सकता है। लेकिन इसी जगह पे सिलिकॉन के ही ग्रुप का कार्बन है और अगर CF4 को हम लें, CF4 को लें और अगर हम कहें कि ये F- को रिसीव करके CF5- बनाएगा तो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ये लेविस एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सेंट्रल एटम C है और C के पास वैकेंट और वाइटल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। आप लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p2, K और L। देखिए L सेल में सिर्फ S और क्या है, P। तो S और P के अलावे यहाँ कोई D और वाइटल तो है नहीं, इसलिए D और वाइटल यहाँ नहीं है, तो खाली और वाइटल इसके पास अवेलेबल नहीं, इसलिए C जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव नहीं कर पाए, जबकि SI के पास ये खाली ऑर्बिटल है, इसलिए SI अपने वैलेंस सेल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर लेगा, इसलिए SiF4 एसिड है। तो लेविस के अनुसार इन सब पॉइंट्स के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि लेविस एसिड कौन कौन है, किस किस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि लेविस एसिड। ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए लेविस के अनुसार बेस को पहचान, कि लेविस बेस क्या है, कौन कौन लेविस बेस है। इसमें कुछ और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इस तरह SiF4 से तो कह सकते हैं आप SnCl4 हो गया, PbCl2 हो गया, FeCl3 हो गया, HgCl2 हो गया, ये सब क्या है, लेविस एसिड का काम करेगा। जैसे कुछ एग्जांपल और हम दे दें इस पॉइंट में लेविस एसिड के लिए, जो मॉलिक्यूल लेविस एसिड का काम कर सकता है जिसके पास वैकेंट और वाइटल अवेलेबल हो, उसका कुछ एग्जांपल ऐसा ही F4 के साथ साथ और भी कुछ एग्जांपल, जैसे CuCl2 कर सकते हैं, FeCl3 कर सकते हैं, HgCl2 कर सकते हैं, SnCl4 कर सकते हैं, इस तरह से ETC, ये सब लेविस एसिड है। ये सब कंपाउंड किस तरह का काम करेगा, लेविस एसिड का काम करेगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें बेसिस के बारे में। तो लेविस के अनुसार बेसिस आर दोज विच हैव इलेक्ट्रॉन efficiency and can donate a pair of electron। base वो है जो pair of electron को donate कर सकता है। जैसे example के लिए आप कहते हैं NH3, देखिए इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है,
तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन NH3 के सेंट्रल एटम पर N के पास मौजूद है, इसलिए ये बेस का काम करेगा, लेविस बेस। और ब्रॉन्स्टेड के अनुसार भी ये बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ब्रॉन्स्टेड के अनुसार प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला बेस है। तो प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? जिसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जैसे H2 ये बेस है, जैसे C2H5OH ये बेस है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये सब बेस है। इस तरह का कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिखे तो ये बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अब जैसे देखिए, अब यहाँ आपको बताएं कि जो लेविस बेस होता है वो लेविस एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और वो एडिशनल प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू फॉर्म करता है एडिशनल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ NH3 है, तो NH3 में एक एग्जांपल अब आपको दे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है H पे, ये N पे, सेंट्रल एटम N है और N पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम लेविस एसिड के साथ, जैसे BF3 लेविस एसिड है और ये बेस है, तो इस बेस, इसको बेस क्यों कहें? इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की एफिशिएंसी। इसको एसिड क्यों कहें? क्योंकि सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशियंसी। ये लेविस एसिड है, लेविस बेस। लेविस इसलिए बोले कि लेविस के कॉन्सेप्ट से आप ये पहचान रहे हैं कि ये एसिड है, लेविस के कॉन्सेप्ट से आप पहचान रहे हैं कि ये बेस है। क्या पहचान है बेस की? लेविस के अनुसार जिसके, जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो वो बेस है, जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी वो एसिड। अब इन दोनों को जब आप रिएक्शन करवाते हैं, ये दोनों जब मिलेगा तो एक एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। NH3 BF3 के साथ जब मिलेगा तो एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब वो एडिशनल प्रोडक्ट क्या बनेगा तो ये देखिए, इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने में पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी। अभी ये तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तीन बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 8 के लिए 2 और चाहिए। यानी B अगर एक बॉन्ड बना लेता है तो 4 बॉन्ड हो जाएगा B के सराउंडिंग में, और 4 हो गया बॉन्ड तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 8 हो जाएगा, तो B का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि ये शेयर कर सके, इसलिए कोवैलेंट तो बना नहीं सकता, क्योंकि कोवैलेंट के केस में म्यूचुअल शेयरिंग की बात होती है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग तो नहीं कर सकता इसके साथ। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की एफिशिएंसी और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट होने में, 6 ही है, 8 चाहिए तो 2 की कमी है, नहीं 1 पेयर की कमी। तो ये इसको कोऑर्डिनेट अगर कर दे, ये जो लोन पेयर है ये इसको अगर कोऑर्डिनेट कर दे, तो यहाँ पे देखिए NH और ये कोऑर्डिनेट कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका हेड उस एटम के तरफ होता है जो उस पेयर इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, और टेल उस तरफ होता है जो पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। और यहाँ B के साथ F है, ये F और F, किसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कि पेयर इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन साइड, पेयर इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन साइड, एक साइड से ओरिजिनेट किया जाता हो पेयर इलेक्ट्रॉन को। ए बॉन्ड फॉर्म्स इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, टू एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक पेयर इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग है,
इसलिए कोऑर्डिनेट को हम सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन अभी एन के पास है, इस एक इलेक्ट्रॉन को इस पर ट्रांसफर करना पड़ेगा कंप्लीट। तो ये जब ट्रांसफर होगा इस पर, तो इस पर माइनस आ जाएगा क्योंकि ये रिसीव किया एक इलेक्ट्रॉन को, और ये लॉस करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इस पर एक प्लस आ जाएगा। तो ये लॉस कर दे एक इलेक्ट्रॉन को, तो एक बच जाएगा इसके पास, और ये जो लॉस होगा इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, तो इस पर वो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एक इस पर आ गया इलेक्ट्रॉन, एक इस पर आ गया, यानी दो इलेक्ट्रॉन एन के पास है, दोनों इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच बट गया। तो बटा इसका मतलब कि एक इसके पास है, एक इसके पास, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी एटम का था, इसलिए ये इसको दिया होगा, तो दिया होगा तो इस पर माइनस, और इससे लॉस हुआ तो इस पर प्लस, है ना। इस पर एक गेन हुआ और इसका एक लॉस हुआ, इसलिए इस पर एक माइनस, इस पर एक प्लस। तो माइनस प्लस के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एडिशनल प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, एडिशनल प्रोडक्ट कहते हैं, या शॉर्टकट में एडिशनल से ऐड ले लिया गया, प्रोडक्ट से अप ले लिया गया, यूसीटी, तो शॉर्टकट में ऐड अप हो गया। एडिशनल से ऐड ले लिया गया और प्रोडक्ट से अप ले लिया गया, तो क्या बोला गया, ऐड अप, इसलिए इसको ऐड अप कहते हैं। और एक कोऑर्डिनेट को हम एक सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एक कोऑर्डिनेट को एक सिंगल बॉन्ड कहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए एच एन एच, एच हो गया सिंगल बॉन्ड में इसको कन्वर्ट कर ले, तो ये एफ हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया, चूंकि बोरोन पर एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, इसलिए इस पर एक माइनस, और इससे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसलिए इस पर एक प्लस। ये दो इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच बट गया, यानी एक एक बट गया, तो एक इस पर, इसलिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इस पर जो एक बचा वो और इस पर जो एक बचा आया वो दोनों मिलकर शेयर कर लिया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बदल गया कोवेलेंट में, और इस पर चूंकि कोई चार्ज नहीं था तो इसका लॉस हुआ एक, तो प्लस आ गया, इस पर एक माइनस आ गया, सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट मतलब एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, और एक कोऑर्डिनेट में भी दो इलेक्ट्रॉन का एक तरफ से ही सिर्फ शेयरिंग होता है, दोनों तरफ से, ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कहलाता है, ये म्यूचुअल शेयरिंग कहलाता है। देखिए दोनों आइटम एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, बराबर की साझेदारी, बराबर का शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग करता है। इस तरह से एक एग्जांपल हम आपको दिए कि कोई भी लेविस बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके एडिशनल प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम लोग एडक्ट कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुटता है बेस और एसिड, और एक कोऑर्डिनेट मतलब एक सिंगल बॉन्ड होता है। इस एक एग्जांपल ऐसा देख लें, जैसे भी आप कहे थे कि एच प्लस, पिछले क्लास में बोले थे कि एच प्लस एसिड, तो एच प्लस एसिड, और अभी आप कहें कि एच टू ओ ये बेस, क्योंकि इसके सेंट्रल एटम पर लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एच टू ओ तो एम्फोटेरिक भी है, क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन लेविस बेस इसलिए कि सेंट्रल एटम पर लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये बेस, ये लॉन्ग पेयर इसके साथ एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एच प्लस, क्योंकि एच के पास पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, क्योंकि आप लिखते हैं यहाँ पे एच हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, और जब एच प्लस कीजिएगा तो एच प्लस का मतलब कि एस का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो 1s0 हो गया,
और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? टू। तो यहाँ जीरो है, इसका मतलब कितने की कमी होगी? दो की। तो दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये पेयर इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट हो सकता है, ये एडिशनल प्रोडक्ट हुआ। अगर हम इस कोऑर्डिनेट को सिंगल में कन्वर्ट करें तो H2O इस पे लोन पेयर है, एक प्लस आ जाएगा। क्यों आएगा प्लस? क्योंकि ये पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों पर बट गया है। तो जब बटेगा तो इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, तो ये गेन करेगा, इसका तो लॉस हुआ। तो कितना लॉस हुआ? एक, इसलिए इस पर एक प्लस आ गया। और एच पे गेन हुआ तो उस पर जो पहले से प्लस था, जैसे अगर ये एच प्लस बना है, एच से बना है। क्यों एच से बना? क्योंकि एच के पास एक इलेक्ट्रॉन था, जब ये लॉस किया एक इलेक्ट्रॉन को तो क्या बना? एच प्लस, है ना। तो एच प्लस एक इलेक्ट्रॉन के लॉस से हुआ। अगर एक इलेक्ट्रॉन फिर से ये गेन कर ले तो फिर एच बन जाएगा, यानी इसके पास फिर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी एच का जो प्लस चार्ज है वो खत्म हो जाएगा अगर गेन कर ले तो, इसीलिए इसका प्लस खत्म हो जाएगा और प्लस इस पे आ जाएगा क्योंकि इसका लॉस हुआ। और इन दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेट है वो सिंगल में बदल जाएगा और एच में, इस तरह से। इसी को लिखते हैं आप ऐसे H3O+। ये प्लस किस पे है? O पे। जैसे ही H3O बना तो ये प्लस किस पे है? O पे, है ना, प्लस O पे। इस तरह से ये एसिड का काम किया तो ये बेस है, है ना। लेविस बेस किसको कहे? तो मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पर पेयर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, इफिशियंसी हो, इसको कहते हैं लेविस बेस। अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं लेविस बेस के बारे में। सेकेंड पॉइंट देखते हैं लेविस बेस के बारे में, वो क्या है। तो जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पेसिस एनआईएस All anions are Lewis bases. All anions are Lewis bases. Anions कहते हैं negative charge. जैसे कह दीजिए Cl minus है, Br minus है, I minus है, H minus है, NH2- है, OH- है, CN- है, ETC, ये सब बेसिस। जिस पर भी माइनस चार्ज हो वो सब बेस है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेसिस आर लेविस बेसिस। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है Cl माइनस, ये बेस क्यों है? क्योंकि ये एसिड को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे AlCl3 अगर Cl माइनस के साथ रिएक्शन करे तो जस्ट अभी हम बताए आपको Cl माइनस कहने का मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हैलोजन है तो, और एक माइनस है तो एक माइनस का मतलब 8 हो गया। एक माइनस है मतलब गेन किया एक, तब तो माइनस है तो 8 हो गया। और AlCl3 में Al के पास पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए Cl इसको कोऑर्डिनेट कर। तो यहाँ पर जब ये कोऑर्डिनेट करेगा Cl पे माइनस है, पेयर इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे Al, ये Cl3 इसके ऑर्बिटल में पेयर इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेट हुआ, और कोऑर्डिनेट को भी आप लिखें कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कीजिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इस पे आ जाए, तो गेन किया था तो एक माइनस था, लॉस कर देगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे Cl का माइनस खत्म हो गया, कोऑर्डिनेट बदल गया सिंगल में, और Cl
ए एल के साथ, और ए एल पे आ जाएगा माइनस क्योंकि ए एल उसको गेन किया। तो फाइनली हम इसको क्या लिखते हैं, ए एल सी एल फोर माइनस, ए एल सी एल फोर माइनस ऐसा लिखते हैं इसको। तो ये हो गया आपको कंपाउंड एडिशनल प्रोडक्ट हो गया ये, जिस कोऑर्डिनेट को आप सिंगल में कन्वर्ट करके ए एल सी एल फोर लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एफ ई बी आर थ्री और बी आर माइनस रिएक्शन किया, तो ये बेस हो गया यहाँ पे सी एल माइनस और ये एसिड। उसी तरह ये एसिड का काम करेगा, भी जस्ट बताया आपकी कि जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का वैकेंट और वाइटल, सेंट्रल एटम के पास बैलेंस सेल में वैकेंट और वाइटल अवेलेबल हो वो एसिड, तो एफ ई बी आर थ्री एसिड है, बी आर माइनस को रिसीव किया, कंपाउंड क्या बन गया एफ ई बी आर फोर माइनस। तो ये यहाँ बेस का काम किया और ये एसिड का काम, लेविस के अनुसार ये बेस हो गया, है ना। तो मतलब जितने भी निगेटिवली चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जो भी ग्रुप है सेंट्रल एटम पे वो सब बेसिस। और एसिड के बारे में भी आप देखें कि एसिड कौन कौन है। एक बात और देखिए कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स वो सब बेस है। मेटल ऑक्साइड्स जितना भी है वो सब क्या है, बेस का काम करते हैं। तो देखें यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिस, मेटल ऑक्साइड्स बेस। जैसा कि हम एक एग्जांपल आपको यहाँ दे दें, सी ए प्लस टू और ओ पर माइनस टू, अगर ये SO2 के साथ रिएक्शन किया, S डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, पाई यहाँ से डिलोकेट होगा क्योंकि पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस पर प्लस आएगा, पाई कमजोर बॉन्ड होता है, सिग्मा मजबूत बॉन्ड होता है, पाई टूटेगा O पे माइनस आएगा। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो, तो बॉन्ड टूट कर जब ओ के तरफ आया तो ओ पर एक माइनस हो गया। क्यों हो गया माइनस, क्योंकि ये कर्व है वो बताता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। तो ये बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, दो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन डीलोकेट होकर किस पर आ रहा है, ओ की तरफ, है ना, हेड चूंकि ओ पर है, तो इस दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी ओ का अपना है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिलोकेट होकर यहाँ आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन एस का है, तो एस का एक लॉस हो रहा है और ओ पर एक गेन हो रहा है, तो एस पे प्लस आ गया एक लॉस होने से, जिसकी भरपाई ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर कर देगा। एक लॉस किया है तो एक गेन कर सकता है इस, तो इसके पास दो माइनस है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ये ऑक्सीजन इसको दे तो इसका एक लॉस हो जाएगा, तो एक जब लॉस हो जाएगा तो इस पर एक ही माइनस बचेगा और इस पर जो प्लस आया था वो समाप्त हो जाएगा। तो एक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा सी ए प्लस टू और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा ओ के बीच, तो ओ पे एक माइनस बच जाएगा क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका एक लॉस हो गया। तो यहाँ हो गया आपको S, S पर प्लस आना चाहिए था इस पाई के टूटने से, चूंकि इधर से ये गेन कर लिया है इसका प्लस खत्म हो गया। O पे माइनस क्योंकि पाई टूटकर इस पर शिफ्ट हुआ है। कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन इस तरह से SO 3 माइनस टू, तो माइनस टू और Ca प्लस टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Ca प्लस टू और SO3 माइनस टू, इसको आप CaSO3 कहते हैं, CaSO3। तो यहाँ पर SO2 क्या हो गया, एसिड हो गया क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो ये एसिड का काम किया
और ये क्या था बेस, तो ये बेस है और ये एसिड, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो बेस, लेकिन एक बात यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज, तो सम मेटालिक ऑक्साइड्स है ना, मोस्टली ऑफ डी ब्लॉक मेटल है ना, मोस्टली क्या डी ब्लॉक का मेटल होता है जिसका चार्ज प्लस पाँच से या पाँच या पाँच से ज़्यादा हो, तो सम मेटालिक ऑक्साइड्स लिख दिया है मोस्टली ऑफ डी ब्लॉक मेटल है ना, मेटल ऑक्साइड्स हैविंग प्लस फाइव या मोर देन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द मेटल, मेटल पर प्लस पाँच या प्लस पाँच से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज, ठीक है। तो सम मेटालिक ऑक्साइड्स हैविंग प्लस फाइव और मोर देन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द मेटल कॉल्ड है ना, या कह दें आर ऑफ एसिडिक क्या है, आर ऑफ कॉमा दे आर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ये जो मेटालिक ऑक्साइड होता है ये सब एसिडिक कैरेक्टर का होता है, इसका बेसिक कैरेक्टर सप्रेस हो जाता है, घट जाता है और एसिडिक कैरेक्टर इसमें बढ़ता है। जैसे देखिए एग्जांपल, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे MnO मैंगनीज ऑक्साइड, जिसमें मैंगनीज पे चार्ज प्लस टू, और बात करते हैं MnO2 जिसमें प्लस फाइव प्लस फोर चार्ज, Mn पे चार्ज प्लस फोर, तो MnO2 जो है ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर का हो गया, मतलब एसिडिक भी और बेसिक भी, क्योंकि इसका चार्ज जो प्लस फोर है वो प्लस फाइव के पास है ना, प्लस फाइव के पास है। अब जैसे कह दे MnO3, तो ये प्लस सिक्स हो गया तो एसिडिक कैरेक्टर का हो गया, और Mn2O7 हो गया तो प्लस सेवन चार्ज है, एसिडिक कैरेक्टर का हो गया। तो फाइव से अधिक है ये एसिडिक, ये जो ऑक्साइड है ये एसिडिक है ना, तो Mn2 यहाँ मेटल है फिर भी एसिडिक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है आपके पास कि प्लस पाँच या प्लस पाँच से ज़्यादा हो तो एसिडिक, ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर को शो करता है और ये बेस हो प्लस टू चार्ज। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं यहाँ पे Cr2O3 और Cr2O3 प्लस सिक्स चार्ज है और यहाँ प्लस थ्री चार्ज, Cr पे चार्ज प्लस थ्री और यहाँ प्लस सिक्स, तो ये एसिडिक कैरेक्टर का है और ये बेसिक बेस, जैसे यहाँ कह रहे हैं आप ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4 प्लस एट चार्ज, OSO3 भी बनता है प्लस सिक्स चार्ज, OSO2 भी बनता है प्लस फोर चार्ज, ये दोनों एसिडिक और ये बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा, ये दोनों एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो मतलब यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे अगर आपको कहा जाए कि क्या होता है तो आप कहेंगे बेस, ये तो स्पेशल कंडीशन हुआ कि ऐसा मेटल ऑक्साइड हो जिसमें कि मेटल का चार्ज प्लस फाइव या प्लस फाइव से अधिक हो है ना, तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो
एसिडिक कैरेक्टर का है, अदरवाइज मेटल ऑक्साइड्स बेस। अब देखिए यहाँ पे लोग देख रहे थे कि एसिड और बेस, एक एग्जांपल आपको हम यहाँ दे रहे हैं, इसको जरा देखिएगा कि हम लोग लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये सब हम लोग देख रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, जैसे कहा जाए कि AlH2O का होल 5 और इस कंपाउंड पर +5 +3 चार्ज, है ना। एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल है, लेविस एसिड बेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में आप इस कंपाउंड को, इस कॉम्प्लेक्स को बताइए कि ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है कि लेविस एसिड है, ये पहचानना है। कैसे? तो रिएक्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, ये टूटा और AlH2O, AlOH, H2O का होल 4, चार्ज यहाँ +2 और H+3, ये रिएक्शन। तो इसको क्या कहेंगे आप, एसिड कहेंगे या बेस कहेंगे? कौन सा बेस कहेंगे, कौन सा एसिड कहेंगे, इसको ब्रॉन्स्टेड कहेंगे या फिर लेविस कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसमें H2O कितना भाग था, 5 भाग। अब यहाँ कितना भाग बचा, 4 भाग, यानी एक भाग H2O टूटकर H+ और OH- में आया, उसमें से H+ बाहर चला गया, यहाँ क्या बच गया, OH-। तो OH- जो था वो -1 और +3 मिलकर हो गया +2। OH पे चार्ज क्या बचेगा, -1, तो -1 और +3 जो चार्ज था वो मिलकर क्या हो गया, +2, तो चार्ज हो गया यहाँ +2। तो AlOH H2O का होल 4 और इस पे H+। इस तरह से अगर कहा जाए कि ये कंपाउंड क्या है तो आप क्या कहेंगे, ब्रॉन्स्टेड एसिड। और इसी को उल्टा कर दें, इसी को अगर उल्टा कर दें तो इसको आप कहेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस। क्यों? कंजुगेट बेस हो गया, ये एसिड क्या बनाता है, कंजुगेट बेस प्रोटॉन को लॉस करके तो बेस हो गया, ये जब H+ को रिसीव कर लेगा तो ये बन जाएगा। तो अगर ये रिसीव कर लिया H+ को, प्रोटॉन को, तो क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाए। तो ये रिसीव कर रहा है अगर H+ तो ब्रॉन्स्टेड बेस, यानी इसको कंजुगेट बेस। ये एसिड का काम किया, प्रोटॉन लॉस किया और ये हो गया कंजुगेट बेस। एक एग्जांपल बता। अब यहाँ पे एक हेडिंग आ रहा है, इसको ध्यान दीजिए, जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे कि एसिड बेस स्ट्रेंथ, क्या देख रहे हैं, एसिड बेस स्ट्रेंथ, ये क्या है? तो देखिए एसिड बेस स्ट्रेंथ, एसिड बेस स्ट्रेंथ में सबसे पहले आप देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स किसको कहते हैं, ये देखिए पहला देख रहे हैं हम लोग ए में, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ, हाइड्रा एसिड्स मतलब नन मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होकर जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उसको हाइड्रा एसिड बोलेंगे। तो हाइड्रा एसिड्स की बात करते हैं, यहाँ देखिए हम लोग जैसे ग्रुप 4A में, पहले पेरियोडिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट पीरियड, पीरियड और ग्रुप जानते हैं, तो जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये हो गया पीरियड। तो पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ये पीरियड हो गया,
तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि राइट के तरफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट के तरफ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। इधर जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इधर आएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी उतनी ही अधिक होगी। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का एक रीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी से, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज है ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी एसिडिटी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ कह सकते हैं, इस बात को दिमाग में रखिए कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ये दिमाग में रखिए, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है ना, ये कटिए, ये लेफ्ट टू राइट की बात है। अब हम आते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो टॉप टू बॉटम का मतलब हो गया ग्रुप, ग्रुप में क्या बदलता है, पीरियड, और पीरियड में क्या बदलता है, ग्रुप है ना, ग्रुप में जब आप आएंगे तो पीरियड चेंज होगा लेकिन ग्रुप एक ही रहेगा। टोटल 7 पीरियड आप कहते हैं पीरियोडिक टेबल्स, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट से आप कहते हैं पीरियड की संख्या कितनी है, 7, और ग्रुप्स कितने हैं, 18। तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ग्रुप चेंज होता है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए में, थर्ड ए में, फोर ए में, फाइव ए में, इस तरह से एक ही पीरियड में चलेंगे आप, पीरियड तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ग्रुप चेंज होगा, लेकिन जब ग्रुप में आएंगे आप तो पीरियड चेंज हो जाएगा, ग्रुप एक ही। तो यहाँ पे जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो यहाँ पे पीरियड चेंज होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ें, उसमें कहा गया आपसे कि एटॉमिक साइज पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पीरियड बढ़ेगा है ना, पीरियड इंक्रीज करेगा तो साइज भी बढ़ जाएगा, और साइज तेजी से बढ़ेगा पीरियड बढ़ने, क्योंकि पीरियड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी आर एन यहाँ क्या है, रेडियस है एटम का, और एन क्या है, स्मॉल एन जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो है पीरियड, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीरियड स्क्वायर, पीरियड में चलने पर, ग्रुप में आने पे, ग्रुप में ऊपर से नीचे, पीरियड जैसे जैसे बदलेगा साइज वैसे वैसे बढ़ेगा, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी न्यूक्लियस का पावर है, तो साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का पावर कमजोर होते जाएगा। न्यूक्लियस का पावर किस बेसिस पर मेजर करते हैं, तो न्यूक्लियस का पावर हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है न्यूक्लियस का, उस बेसिस पर मेजर करते हैं। तो साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कमजोर होते चला जाता है आउटर ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर, इसलिए आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। इसलिए आप पढ़ते होंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि आयनाइजेशन एनर्जी भी जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी घटते चला जाता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड एनर्जी है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट आउटर मोस्ट से। तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड होगा न्यूक्लियस के तरफ, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है,
तो जैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी घटा, इसका मतलब न्यूक्लियस का जो पोटेंशियल है, जो पावर है, वो कमजोर हो गया। और न्यूक्लियस का पोटेंशियल कम हो गया, इसका मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कमजोर हो गया। और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का कमजोर होना ये बताता है कि एटॉमिक साइज बढ़ गया होगा, इसीलिए उसका न्यूक्लियस का पावर क्या हो गया, कमजोर हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो यहाँ टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ा इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटी। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बेसिस से अगर हम देखें तब तो ऊपर से नीचे आने पर एसिडिटी कमजोर हो गया, एसिडिटी घट गया। बात समझ रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आने पे क्या हो गया, इंक्रीज किया। लेफ्ट टू राइट अभी आप बोले कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक और नॉन मेटालिक ये जो कैरेक्टर है पेरियोडिक टेबल में, ये दो जाति के तत्व पेरियोडिक टेबल में एक जगह एकुमुलेट किए हुए हैं, ग्रुप और पीरियड में उनको एकुमुलेशन मिला है, एक संगठन मिला है। उसके नेचर, कैरेक्टर, स्वभाव, एक्टिविटी के आधार पे उसका ग्रुप डिसाइड हुआ है, उसका पीरियड डिसाइड हुआ है। पीरियड में चूंकि ग्रुप चेंज होता है, इसलिए एक पीरियड में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, मेटल भी नॉन मेटल। लेकिन जब ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप पर हम लोग फोकस करते हैं कि एक जाति, एक कैरेक्टर का एलिमेंट एक ग्रुप में रखा जाए। यानी मेटल अगर है तो मेटल एक ग्रुप में रखो, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल एक ग्रुप में। लेकिन आपका जो पेरियोडिक टेबल है उसमें एस ब्लॉक और डी ब्लॉक को अगर आप छोड़ दें तो पी ब्लॉक में कुछ इस तरह का आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है कि एक ग्रुप में सिर्फ नॉन मेटल ही है, क्योंकि टोटल जितना भी इंटायर नॉन मेटल है एच को छोड़कर वो तो सब पी ब्लॉक में है। तो पी ब्लॉक राइट साइड पेरियोडिक टेबल का है और नॉन मेटल्स जितने भी हैं सब पी ब्लॉक में ही मौजूद हैं। लेकिन पी ब्लॉक के जो ग्रुप है वो कोई भी ग्रुप पर्टिकुलर हैलोजन और इनर्ट एलिमेंट को छोड़कर बाकी कोई भी ग्रुप जो पर्टिकुलर नॉन मेटल का ग्रुप नहीं है, उसमें मेटल वाइड भी मौजूद है, उसमें मेटल भी मौजूद है और नॉन मेटल भी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ऐसे अगर हम कहते हैं ग्रुप, तो पेरियोडिसिटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम कहें तो ग्रुप में हम वैसे ही एलिमेंट को रखते हैं जिसका कैरेक्टर एक हो। पीरियड जो होता है चूंकि वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का कलेक्शन है, इसलिए ग्रुप जैसे ही बदला तो कैरेक्टर बदल जाए। तो अलग अलग कैरेक्टर के एलिमेंट्स का कलेक्शन है पीरियड। लेकिन ग्रुप जो है उस जैसे ही ग्रुप बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि एक कैरेक्टर का एलिमेंट एक जगह है, एक जगह अरेंज किया हुआ है, ये ग्रुप का सेंस होता है। और पीरियड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर का एलिमेंट्स एक पीरियड में होता है। चलिए, उस बात से यहाँ कोई मतलब नहीं है हमको, कुछ खास बस पेरियोडिक टेबल की बात आ रही थी इसलिए कुछ चर्चा हम कर दिए। एटॉमिक साइज जो है क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। दो ही कैरेक्टर ही है, मेटालिक नॉन मेटालिक। लेफ्ट टू राइट जब नॉन मेटालिक बढ़ रहा है तो निश्चित ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, मेटालिक बढ़ेगा। तो यहाँ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज करेगा। और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज किया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घट गई। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने पे बेसिक नेचर बढ़ जाता है, बेसिसिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर बढ़ने पर एसिडिटी बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज कर, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज कर। क्लियर है? तो ये ध्यान दें,
कि अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घट गया, इसका मतलब बेसिसिटी पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटा, इसका मतलब बेसिसिटी बढ़ा, ऊपर से नीचे आने पर बेसिसिटी बढ़ा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज किया, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, है ना। बेसिसिटी तब बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटेगा, है ना। और एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ये आपका एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अब किसी पर्टिकुलर केस के लिए अगर हमको देखना है तो कुछ पर्टिकुलर बात भी दिमाग में होना चाहिए। पर्टिकुलर केस की बात अगर कर रहे हैं, और पर्टिकुलर केस क्या है, अभी आप लिखे थे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड, तो हाइड्रा एसिड के केस में अगर हमको देखें, ये तो हम जनरल बताया आपको पीरियोडिक कॉन्सेप्ट एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज से कैसे रिलेटेड, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर से कैसे रिलेटेड है आपका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, ये जनरल कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रा एसिड्स, जैसे 4A ग्रुप से शुरू करेंगे क्योंकि नॉन मेटल यहीं से शुरू होता है, पीरियोडिक टेबल में 4A ग्रुप से ही नॉन मेटल स्टार्ट है, 3A ग्रुप तक मेटल ये है, 1A ग्रुप में हाइड्रोजन की बात आप करते हैं तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन उसका वो जगह डेफिनेट नहीं है, फिक्स जगह नहीं है। तो 4A में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, SN है, PB है। देखिए SN PB मेटल, जर्मेनियम मेटल वाइड, सिलिकॉन लिस्ट मेटल वाइड है, नॉन मेटल में काउंट करते हैं, और कार्बन नॉन मेटल। हाइड्रा एसिड बनाना है तो CH4, SiH4, GeH4, SnH4, PbH4, ये आपका हाइड्रा एसिड है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4, 4A ग्रुप जैसे ही बोले तो ग्रुप वैलेंसी से ही डिसाइड होता है, वैलेंसी 4 है इस एलिमेंट्स का, इसलिए ग्रुप 4A है। तो यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा H के साथ CH4, SiH4, GeH4, SnH4, PbH4। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात अगर हम करेंगे तो जैसे जैसे नीचे आए तो एसिडिक स्ट्रेंथ, अभी तो आप बताए कि घट जाना चाहिए ऊपर से नीचे, लेकिन वो जनरल कॉन्सेप्ट था। हाइड्रा एसिड्स के केस में आप दिमाग में ये बात रखें कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे बढ़ जाती है, एसिडिटी इंक्रीज करता है। ये किस बात पर डिपेंड किया, तो इस बात पर डिपेंड किया कि H+ ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट से, कि जो कंपाउंड H+ को आसानी से रिलीज कर दे, इस सब के पास H है, H रिलीज करेगा। तो अब ये देखना है हमको कि कौन H+ को आसानी से रिलीज करेगा, रिलीज तो सब करेगा, लॉस तो सब करेगा, लेकिन कौन आसानी से करेगा। तो जहां साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होने की वजह से दो एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से बॉन्ड कमजोर होता है, और डिस्टेंस जब नजदीक हो, क्लोज हो, तो बॉन्ड मजबूत हो जाता है। तो दो एटम के बीच जितनी दूरी अधिक होगी, साइज जितना बड़ा होगा, बॉन्ड उतना ही वीक होगा, और जितना ही वीक होगा बॉन्ड उतना ही आसानी से H+ को रिलीज करेगा। इसीलिए यहाँ पे एसिडिटी बढ़ने का, हाइड्रा एसिड ऊपर से नीचे बढ़ने का रीजन क्या है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज,
एटॉमिक साइज के बढ़ने के क्रम में, एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण एटॉमिक साइज बढ़ने, किसका एटॉमिक साइज बढ़ेगा? इसको सेमी है, कार्बन से बड़ा सिलिकॉन से बड़ा जर्मेनियम से बड़ा एसएन से बड़ा पीवी, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो कमजोर होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो बढ़ेगा, है ना? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, इसको आप एक लाइन और इसमें जोड़ दें, ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज भी जो एटॉमिक साइज के बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाता है, ऑन इंक्रीजिंग, है ना? क्या लिखे? बॉन्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इंक्रीजिंग एक्स बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों घटा? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ा, और बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ा? तो ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, सब बात आ गया इसके अंदर, सब लिख दिया। एसिडिटी बढ़ा, क्यों बढ़ा? हाइड्रा एसिड का ऊपर से नीचे आने पर एसिडिटी क्यों बढ़ा? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके कारण घटा? तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण, तो बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ा? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ गया, तो एटॉमिक साइज बढ़ गया इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गया इसलिए एसिडिटी बढ़ गया, और एसिडिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ घटने के कारण क्यों बढ़ा? क्योंकि ये सब हाइड्रा एसिड है, आसानी से एच प्लस को जहाँ पर बॉन्ड कमजोर होगा वो आसानी से प्रोटोन वहाँ से रिलीज हो जाएगा, और ब्रॉन्स्टेड के अनुसार जो कंपाउंड इजिली प्रोटॉन डोनेट करे उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए ये सब ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के अनुसार ऊपर से नीचे आने पे एसिडिटी बढ़ेगा हाइड्रा एसिड के। यही कॉन्सेप्ट सेम सारे ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी 5A के लिए भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसका हाइड्रा एसिड NH3, BH3, ASH3, BIS3 और SBS3, BIS3, इसके लिए भी यही बात एप्लीकेबल है जो आप लिखे। 6A ग्रुप में आ जाइए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इन सब के लिए भी यही बात एप्लीकेबल है, SEH2, TeH2, POH, और हेलोजन फैमिली 7A ग्रुप में आ जाइए, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो FH, CLH, BRH, IH, इन सब के लिए भी यही बात है ऊपर से नीचे, और यही तक एलिमेंट है जो नन मेटल है। 7A के बाद नन मेटल जो इनर्ट है वो आता है ग्रुप 8A में, तो ग्रुप 8A इनर्ट है, वो कंपाउंड फॉर्म करेगा नहीं, हाइड्रा एसिड बनाएगा, इसलिए ग्रुप 8A नॉन मेटल है लेकिन उसको यहाँ कंसीडर नहीं करें। तो यही तक आपका नॉन मेटल है और यही सब हाइड्रा एसिड है, तो ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रक्चर बने, बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटने की वजह से, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से, और जब हम इस तरफ चलेंगे ऐसे, है ना, 4A से 7A की तरफ चलेंगे, तो देखिए कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन, और इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है फ्लोरीन, तो ऐसे के कैरेक्टर इससे अधिक इसका हो गया, इससे ज्यादा इसका हो गया, इससे ज्यादा इसका, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए, और जब हमको टॉप टू बॉटम देखना होगा तो यहाँ हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे, एटॉमिक साइज देखेंगे, बॉन्ड लेंथ देखेंगे, क्लियर है? तो लेफ्ट टू राइट चलने पर एसिडिटी इंक्रीज करता है, रीजन है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ गया इस वजह से। तो आज हम लोग देख रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स, और उसके बाद देखेंगे हम लोग
कि एसिड के स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स क्या है, तो ऑक्सी एसिड्स के बारे में एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे। उसके बाद साल्ट क्या है, साल्ट को जानना है। साल्ट के बाद हम लोग फिर आ जाएंगे बफर सॉल्यूशन और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, यही आपका लास्ट टॉपिक होगा आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो इस पे आएंगे हम लोग। पहले अभी हम लोग इसमें और भी पीएच वगैरह सब भी यही देखना है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखेंगे साथ में, उसी के साथ साथ पीएच भी इसका। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी बातें अलविदा।